क्वेश्चन नंबर 31, कलर चेंजेस टू ब्लू, स्काई ब्लू। कैलकुलेट एनडीपी या डेफसी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट, वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। बस सर यही हुआ था हमारे साथ भी ना, ऐसे अजीब अजीब साइटल्स पड़े और थोड़ी घबराहट सी हुई। कुछ नहीं है बेटा, नॉर्मल क्वेश्चन से घबराते नहीं। डिविडेंड बाय एम्प्लॉइज, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जिसका कोई काम नहीं है। एनडीपीएडएफसी चाहिए हमें, हमें चाहिए एनडीपीएडएफसी। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट ये होता है, इनकम अर्न बाय द गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। आपके काम का नहीं है, बस मीनिंग बता रहा। हमें चाहिए एनडीपीएफसी, तो घबराए ना। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दे, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट। रॉयल्टी है क्या? नहीं सर, पता नहीं ना, अजीब से नाम से दे रखे हो तुम। प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्सड इनकम, रॉयल्टी का कोई और नाम नहीं है, रॉयल्टी रॉयल्टी देगी। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, अब ध्यान से देखेंगे, एक तो है वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सर बताया नहीं कि किसकी कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। वेजेस एंड सैलरीज कितना? 4,000 और 200। वेजेस एंड सैलरीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू, कोई डाउट अभी तक? ठीक है, रेंट 100, इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, इंटरेस्ट ही है। मतलब एक होता है इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज अ ट्रांसफर पेमेंट, एक होता है इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, दैट इज अ फैक्टर इनकम। तो इंटरेस्ट जो हम लेते हैं वो फैक्टर इनकम होती है, बाय प्रोडक्शन यूनिट्स ही होती है। एनी लोन बोरोड फॉर अ प्रोडक्टिव पर्पस, उसका जो इंटरेस्ट है वो फैक्टर इनकम का पार्ट होगा। नेशनल डेट इंटरेस्ट एक ट्रांसफर पेमेंट होती है, नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल डोमेस्टिक इनकम। कॉरपोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स। सर डिविडेंड तो ठीक है, डिविडेंड बाय एम्प्लॉइज क्या है? मिस प्रिंट, तो एम्प्लॉइज थोड़ी ना देंगे डिविडेंड, एम्प्लॉय डिविडेंड बाय कंपनीज। डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स हो सकता है, डिविडेंड बाय कंपनी हो सकता है, डिविडेंड बाय एम्प्लॉईज कुछ नहीं होता। वो क्या हुआ, एक सेकेंड, ये जो मतलब एक हाई लेवल का मिसप्रिंट की कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉईज, मतलब देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी के जो एम्प्लॉईज है ना, ऊपर की लाइन का नीचे आ गया है कि कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉईज, क्योंकि डिविडेंड बाय एम्प्लॉईज कुछ होता ही नहीं, डिविडेंड बाय एम्प्लॉयज तो कुछ होता ही नहीं, डिविडेंड कंपनी पे करती है शेयर होल्डर्स को। तो मैं कह रहा हूँ देर इज अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि जो प्रिंटिंग एरर है ये ऊपर का नीचे आ गया है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर ये वो है, मतलब मिसप्रिंट तो है ही है, अब वो मिसप्रिंट क्या है हम वो मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर ये कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज है तो फिर वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट नहीं होगा। सर अभी कैसे पता चलेगा कि मिसप्रिंट क्या है? अगर आपका 200 रुपये का डिफरेंस आए, ठीक है ना, मतलब 200 रुपये एक्स्ट्रा है क्योंकि हमने ऐड कर दिया अभी, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉईज की थी। बट सर आपने तो बोला कि कुछ मेंशन नहीं है तो एम्प्लॉयर लेना। हाँ अगर कुछ मेंशन नहीं है तो एम्प्लॉईज मेंशन है, वो नीचे आ गया बेचारा, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझता आ रहा है सर, लेकिन हम पेपर में हट के ये सब करेंगे क्या? अगर पेपर पे कोई गलती होगी तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट सर जो टाइम वेस्ट हुआ उसका कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप अपने फ्लो में कॉन्फिडेंस के साथ कि जितना आता है उतना करेंगे, जो एरर है वो भगवान के नाम छोड़ देंगे। इंटरेस्ट आ गया। प्रॉफिट्स के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, पहला कंपोनेंट कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा कंपोनेंट डिविडेंड, तीसरा कंपोनेंट रिटेन्ड अर्निंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। कितना? 20। लास्ट मिक्स्ड इनकम।
मिक्स्ड इनकम जीरो ही होती है हमेशा। आप इस कैटेगरी में आते हो, ध्यान से देखेंगे, 4200 प्लस 100, 4300, 4430 प्लस 170 प्लस जीरो 4500, 4600। नहीं सर, आंसर तो बहुत दूर है, अभी पास आते हैं। अरे रुक करना है, कितना हुआ 4600? ये हो ही नहीं सकता था ना, ये 4000 तो आप कहला ही है, वेजेस एंड सैलरीज खुद अपने आप में ही 4000 है, तो आंसर तो 2600 हो नहीं सकता। चलो ढूंढने, ठीक है ना, 400 लेके चलते हैं। अगर ये 400 होता, अरे मुझे आगे के लिए तो असाइनमेंट ठीक करनी है ना, रुको। अगर ये 400 होता तो क्या होता, तो क्या होता, अभी बताते क्या होता। 4600 है तो ये 3600 कम हो जाता। नहीं सर, 400 में तो काम नहीं चल रहा, 1000। सर सिंपल करो ना इसको, 4600 कर दो, ठीक है। और नहीं, ये तो चल बस है ना, एम्प्लॉइज आर नो मोर। अच्छा, क्वेश्चन भी हमारा, आंसर भी हमारा, तो हमारी मर्जी ना, क्या करें। 4600 आ रहा है, कोई डाउट? सीखना क्या है, सीखना एक तो ये है, ध्यान से देखना बेटा, कहीं हम काम की बात से ना डिविएट हो जाए। डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इनकम जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। ये सारी चीजें यूज होती हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए, प्राइवेट इनकम निकालने के लिए, कुछ और कन्वर्जन होती हैं जो कोर्स में नहीं है। तो इनकम अक्रूइंग टू द, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन इनकम जनरेट कर रहा है, एक होती है इनकम अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट सेक्टर, एक होती है इनकम अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। उन दोनों को एडअप करते हैं तो डोमेस्टिक इनकम आती है। तो बस आपके नॉलेज से एक बता रहा हूँ, न्यूमेरिकली कहीं यूज नहीं होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट। पहला जो अजीब आइटम है, क्लियर हो गया, साइड कर देते हैं। इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स इज अ फैक्टर पेमेंट, इट इज अ फैक्टर पेमेंट। तो इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक जो आपने किसी प्रोडक्टिव सर्विस के लिए लोन बोरो किया था उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, एक नॉन प्रोडक्टिव। तो नॉन प्रोडक्टिव का जो इंटरेस्ट है वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता, ये क्लियर है। प्रॉफिट के नेशनल डेट इंटरेस्ट आएगा नहीं, वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स, वो क्लियर है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो बाय एम्प्लॉयर माना जाएगा, अगर एम्प्लॉय होता तो फिर वो वेज एंड सैलरीज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, दोबारा ऐड नहीं होता। तो एम्प्लॉयज को काट देंगे, एम्प्लॉयज एग्जिस्ट नहीं करते, आंसर को 4600 कर देंगे, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर।